हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, यस, फाइनली आई एम बैक। एक महीने के लंबी छुट्टी के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ रिटर्न, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले वाले बहुत सारे व्लॉग में बताया था मेरे शॉपिंग के साथ व्लॉगिंग मेरे बस की बात नहीं है, तो इसलिए मैंने बंद ही कर दी थी एकदम से। जो कोई भी कहीं पर भी मिलता था तो पूछता था, आपने व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी है, आपने व्लॉगिंग बंद तो नहीं कर दी हमेशा के लिए? तो मैं बोली नहीं, शादी के लिए रुकी हूँ, मतलब थोड़े शॉपिंग वॉपिंग हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। मोना से भी कोई भी मिलता था, मतलब मेरे फैमिली वाले से कोई भी मिलता था, सबके क्वेश्चन एक ही थे कि आपने व्लॉगिंग बंद कर दी है क्या? तो गाइज नहीं, मैंने सिर्फ थोड़े टाइम का ब्रेक ले ली थी, थोड़े टाइम का सोच के रखी थी, बट वो काफ़ी लंबा हो गया, वो एक महीने का ब्रेक हो गया। तो आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ अदनान के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। मुझे उनको गिफ्ट कुछ गिफ्ट देना था, ऐसा मेरा था कि मुझे कुछ गिफ्ट देना है निकाह वाले दिन, बट क्या देना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी फाइनली मेरे को समझ में आ गया है कि मुझे उनको क्या देना है, बट वो मैं आपको ये व्लॉग में नहीं बताऊँगी गाइज। हो सके तो मैं शूट करके रखूँगी, बाद में पोस्ट करूँगी, या जो भी रहेगा देख लेंगे, बट बताऊँगी नहीं। जाहिर सी बात है, वो तो अदनान भी व्लॉग देख लेंगे, उनको भी पता चल जाएगा। और इसके अलावा मुझे आज जाना है मलाड, बिकॉज मुझे थोड़ा डेकोरेशन के लिए सामान लेना है। अदनान के घर पे जाने वाला है मेरे घर से शादी का कार्ड, तो वो मुझे ऐसे सिंपल नहीं भेजना है, मुझे ऐसा कुछ क्रिएटिव करके भेजना है। और मैंने इंस्पिरेशन जो मेरी फ़ोटो है वो मैंने निकाल ली हूँ, तो वो मैं थोड़े टाइम में आप लोगों को बता दूँगी कैसी है। तो मुझे आज वो भी काम करना है और अदनान के लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। तो आज आप ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ, तो व्लॉग थोड़ा एक्साइटिंग होगा, और जाहिर सी बात है शादी का व्लॉग तो एक्साइटिंग होगा ही, तो व्लॉग एंड तक जरूर देखना। गाइस, अमान की यहाँ पे परेड चल रही है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, PS5 चाहिए ना। देख अभी देखेगा नहीं यहाँ पे, हाँ अब नहीं देखेगा, क्या बोल रहा है, हाँ शरीफ बन जाता है, हाँ खरीद लेना खुद ही। सो गाइस, अमान हम लोग सबसे इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको चाहिए PS चाहिए ना, PS चाहिए, जो हम लोगों ने बोले थे हम लोग दिलाएंगे मैं और अदनान, बट इसके परसेंटेज पे डिपेंड करता है गाइस। इसके 10th के एग्जाम है बोर्ड्स के, और ये लड़के को जरा भी टेंशन नहीं है उस चीज की, और जिस दिन मेरा निकाह है उस दिन भी इसके एग्जाम है। अभी भी लड़ रहा है, दोनों माँ बेटे से लड़ते ही रहते हैं। और यहाँ पे ये माँ बैठी है, माँ ने फुल मस्त हेयर एक्सटेंशन करा लिए, इतने लंबे बाल हुए माशाल्लाह, और अभी भी इसका वही चल रहा है। So guys, मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। अभी बज चुके हैं 3, जो भी मैंने इसके पहले क्लिप शूट करी थी वो सब मॉर्निंग की थी। इन बिटवीन मैंने कुछ काम थे, मैंने वो भी कर ली, नहा लिए, खाना खा लिए, अभी मम्मी रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्बिट जाएंगे, वहां से मैं अदनान का गिफ्ट लूंगी, बट वो आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तो गाइज, मैं जब मलाड पहुंच जाऊंगी उसके बाद ही आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। गाइज, हम लोगों का इनऑर्बिट का काम हो चुका है। इनऑर्बिट में तो हम लोगों को नहीं मिला जो चाहिए था, कहाँ गए फिर, इन्फिनिटी में, हाँ इनऑर्बिट से फिर हम लोग इन्फिनिटी गए, वहाँ से हम लोगों ने ले लिए है। और मम्मी का कुछ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेना था, ये हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो मेकअप भी ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मलाड मार्केट डेकोरेशन का सामान ले। क्यों खड़ा है ये ऐसा, सब लोग ऐसी गाड़ी ले लेके रोड पर ही खड़े हो जाते। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे डेकोरेशन का सामान लेने, बट गर्दी तो इतनी तो नहीं है, अब देखते मिलता पाता है क्या, नहीं जो चाहिए। मैं यही दुकान से ली थी सब उस दिन, आज देखते हैं क्या। सो गाइस, हम लोग जो शॉप पे आए हैं वही शॉप पे मुझे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि उस दिन भी मैं यहीं से लेके गई थी। बताओ मम्मी हाथ में क्या है, ट्रे बताओ ऐसे, तो ये वाला ट्रे हम लोग ने ले लिए है। और मेरी जो इंस्पिरेशन है मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लेना मुझे कैसा बनाना है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिल पाया वो, पर जैसा भी मिला ले लिया। बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे है शादी वाला घर, बट अपने को ऐसे वाले में नहीं चाहिए, थोड़ा और फैंसी में चाहिए, बट शादी वाला घर ही। तो गाइज, ये एक मीटर ले रहे हैं अभी हम लोग, और वैसे पत्ते भी इससे छोटे साइज में पत्ते है क्या, खाली पत्ते नहीं है, उसमें काट के आप निकाल सकते। इससे छोटे साइज नहीं है क्या भैया, और फ्लावर। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया रहेगा मैंने मार्केट में बस उतना ही शूट करी, और अभी हम लोग आ गए हैं घर, क्योंकि मुझे फटाफट वही शॉप से सब कुछ मिल गया था। तो मैंने अभी क्या क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रे तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पे जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया, मुझे ऐसे ही चाहिए था, बट मुझे और थोड़ा ब्रॉड चाहिए था, अब जो मिला उसमें यूज करते हैं।
और ये लकड़ी मैंने सब अभी ढूंढ कर निकाली हूँ, तो ये भी यूज होगा। और फिर मैंने इसका ही मिलता जुलता रेड फ्लावर्स ले लिया है, और उसमें लीव भी चाहिए था तो लीव भी मिल गया है। ये नेट है, और गाइज यहाँ पे है मेरी शादी का कार्ड, मैं डेट अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। और मुझे अभी एक पतली वाली लेस चाहिए थी जो मुझे इस पे ये लकड़ी पे मुझे लगानी है, वो मैंने ऊपर संभाल के रखी थी बट मम्मी ने पता नहीं कहाँ मिसप्लेस कर दिए, तो अभी मम्मी वही ऊपर गए हैं ढूंढने के लिए। तो मिलेगी तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं लगा सकते, बहुत अजीब सा लगेगा। जैसे देखो इस पे ये जो है ना, ये सेम एज इट इज रखी हुई है, तो वही सेम एज इट इज मैंने लेस ली थी गाइस, जो भी आप लोगों को दिखाई, बट अभी वो नहीं मिल रही है, मम्मी को भी ऊपर नहीं मिल रही है। अब देखते हैं, दो दिन पहले ही मेरे नजरों के सामने थी, मैं बोली इसको यूज करूंगी, बट अब कहाँ चले गई पता नहीं। और इसमें मेरे कुछ ये वाले पाउच में मैंने मेरे कुछ पर्ल्स भी रखी हूँ जो मुझे इसमें यूज हो गए, तो अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्रॉपर तो शूट नहीं कर पाऊंगी, बट जहाँ तक मेरे भाई को बोलती हूँ शूट करने, वो करेगा। सो गाइस मम्मी को वो वाली तो लेस नहीं मिली ऐसी वाली, तो अब ये वाली थी एक रखी हुई, अब उसमें से मैं ये सब पतला पतला काट के अब देखते हैं इस पे लगा के, बताओ मैं आगे है ना इस पे लग जाएगी ना इसी। हाँ, तो ये अभी हाँ लग जाएगी, तो ये मम्मी का आइडिया था, अभी मैं इसको पूरा काट लेती हूँ फिर लगाएंगे उस पर। सो गाइज अभी मैंने एक इस पे स्टिक कर ली हूँ, प्रॉपर स्टिक हो गया, बट वो ग्लू से कहा गया माओ ग्लू ये ग्लू से बराबर स्टिक नहीं हो रहा है, तो अभी हॉट ग्लू से चिपकाती हूँ मैं। पर मेरी चाय पी लेती हूँ गाइज। मेरी आइडिया। किसकी आइडिया? हाँ तुम्हारी आइडिया। हाँ तुम्हारी आइडिया गाइज। हम लोग कम से कम ही कितना आधा घंटा ढूंढे, आधे घंटे से हम लोग वही लेस ढूंढ रहे थे, उतने में मम्मी को ये पैकेट मिल गया। ये मैंने मेरे निकाह वाले ड्रेस के दुपट्टे पे लगाने ली थी, तो अब वो उस पर स्टिक तो हो गया है, सिर्फ थोड़ा बाकी है। पहले मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, आधे पौने घंटे से मेरी चाय बन रही है एकदम फुल काली काली, जहर बन गया है, पी के फिर हॉट ग्लू लगाती हूँ। सो गाइस क्या मम्मा ये पकड़ने के लिए अपनी देख उस पे क्या बोलो ना वो देगा देख के, लकड़ी तोड़ने के चक्कर में मैंने सीजर, लकड़ी तोड़ने के चक्कर में सीजर ही मैंने तोड़ दी। यहाँ पे हम लोग का आधा काम, आधा नहीं बोलूंगी सिर्फ 5% हुआ है। सो गाइज अभी हम मैं यहाँ तक मैंने लगा ली हूँ, अभी सिर्फ दो बाकी है, यहाँ पे लगाना है स्टिक और एक पीछे लगानी है, तो वही अभी मम्मी लेस कट कर रही है क्योंकि कम पड़ रही है। अब ये दो स्टिक में मुझे लगाना है, तो अब ये कंप्लीट करने के बाद फिर आगे मैं आपको बताती हूँ ये सब मैं कैसे लगाऊंगी। और ये देखो इसको बुके को खाने के लिए, हाँ खाने के लिए ही पैदा हुआ है। और डैडी हाय करो, इतने दिनों के बाद आज ब्लॉग में आए, दिनों के बाद तो ब्लॉग बना रही हूँ। एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जो फोन से मैं शूट कर रही हूँ वो है मेरा न्यू फोन जो मुझे गिफ्ट किए हैं डैडी ने, है ना डैडी आपने गिफ्ट किए ना। सो गाइज आप लोगों ने मेरे बर्थडे का ब्लॉग देखे ही रहेंगे जिसमें मुझे डैडी ने कुछ भी गिफ्ट नहीं किए थे, मम्मी ने ही गिफ्ट किए थे, तो डैडी ने मुझे अभी दिए इन बिटवीन जब मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही थी तब मुझे गिफ्ट दिए थे। तो अभी मेरा न्यू फोन से मैं शूट कर रही हूँ, और मेरा पुराना वाला फोन मैंने दी थी मेरे डैडी को, डैडी यूज कर दे। हाँ बस हो जाएगा, दोस्त में यूज हो जाएगा ना। खुशी हो रही है ना? हाँ काय की खुशी हो रही, बोल इतनी खुशी हो रही। बोल बोल गाइस, मम्मी इसको बोले तेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, क्या चीज की खुशी हो रही बोल? बता कॉलेज जाने का। अच्छा कॉलेज जाने की खुशी है, देखो गाइस सुन लो क्या बोला तूने, मैं जा रही हूँ इसलिए खुशी हो रही है मुझे, अगर तूने कॉल किया। अभी मैं इसमें ये लीव लगा रही हूँ जो लेकर आए थे हम लोग ने, 5 मीटर कितने की दिया था क्या मालूम, कितने की अलग आई, बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है, नहीं लेकिन सही पड़ता है ना। हाँ, अगर रेडीमेड तो 2500 रुपया बोला उसने, ये 500 रुपए में बन रहा है, किसी को बनाने का रहेगा तो आशु को ऑर्डर देगा, लेकिन 500 में नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट उसको देना होगा। की देखो इसका मुँह ये खाने के लिए पैदा हुआ है, खा ही रहा है कब से खा ही रहा है। अभी गाइस मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ, इसमें पूरा रोल करना पड़ेगा, जितना चाहिए उतना ही निकालती हूँ वरना ये बहुत हो जाएगा सीजर का एमी। सो गाइज मैंने फटाफट से पूरा रेडी कर ली हूँ बिकॉज टाइम नहीं था, काफी ज्यादा लेट हो गया है ऑलरेडी। सो गाइज देखिए एकदम प्रिटी प्रिटी सा रेडी हो गया है, इसमें बस हम लोगों ने गलती कर दी है। कहा गया हम लोगों ने व्हाइट नेट लेकर आ गए जबकि इसमें गोल्डन है, मैंने जो इंस्पिरेशन था मेरा उसमें व्हाइट नेट था बिकॉज उसके साथ व्हाइट डेकोर था और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया लेने के टाइम पे, और मैंने व्हाइट ले ली और व्हाइट नहीं अच्छा लग रहा है, तो अभी गोल्डन नेट लेनी पड़ेगी। तो अभी मम्मी और मैं जाते हैं मार्केट, गोल्डन नेट लेते हैं, और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने इसमें लाइट भी लगा दी हूँ। वेर इज हाँ यहाँ से देखा मस्त लग रहा है, और गाइज ये अभी भी खा ही रहा है और ये अपने डांस की प्रैक्टिस भी कर रहा है साथ ही साथ में खाते खाते। फिक्स
हाँ बोली तो है आने वाली है। देखो अब ये छोटे वाले फ्लावर्स भी रखे हुए गाइस, तो अभी इसको भी मतलब मैं यूज़ करूँगी कहीं ना कहीं। मैं सोच रही हूँ यहाँ बीच में इसको लगाऊँ, और बड़े वाले लीव्स भी मैंने इसको ऐसे ही लगा दी हूँ। और मेरा बेल भी कब से रखा हुआ है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो अभी चलते चलो। और मेरे को क्या लेना, नेट लेना है, और क्या लेना था, एक और एक चीज़ टेलर के पास जाना है हमारे, तो फटाफट हम लोग जाके आते, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मार्केट जाकर, हम लोग को बहुत टाइम लग गया ये ढूंढने के लिए। ब्लॉग ऐसा मतलब एडिटिंग में फटाफट डाल दूंगी, बट हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया। कहीं भी शॉप पे, कोई भी शॉप पे नेट मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये जहाँ पे डेकोरेशन का मिलता है वहीं पे मिलती है, और हमारे यहाँ कहीं पे भी नियर बाई में डेकोरेशन का नहीं है। तो जो फैब्रिक मार्केट रहता है मुझे उसमें से लाना पड़ा, थोड़ी 19-20 है, बट अब चलाना पड़ेगा क्योंकि गाइज मेरे पास कल भी टाइम नहीं है। कल मुझे जाना है इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग करने के लिए, मतलब जो भी मुझे सामान लेना है तो उसके लिए जाना है। फिर उसके बाद फिर मम्मी डैडी लोग सब लोग निकल जाएंगे कार्ड लेकर, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे अभी ही रात में ही कंप्लीट करना है। तो अभी मैं इसको भी लगा लेती हूँ, फिर पूरा लुक आप लोगों को सिनेमैटिक में बताऊँ। एंड गाइज इसमें मैंने जार भी ले लिया, मुझे मिल गया था, तो अब देखती हूँ। हाँ बराबर है, मुझे लग रहा था ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट बराबर है। वो भी दो ही, मुझे तीन चाहिए था बट दो ही मिला, वो बोले एक बाद में ला के देंगे। तो अभी देखती हूँ, अगर दो से ही इनाफ हो जाएगा तो दो ही रखती हूँ, या तो एक मेरे पास रखा हुआ है, तो देखती जो भी रहेगा फटाफट बनाती हूँ अभी। गाइज आप लोगों ने देख लिया रहेगा सिनेमैटिक वीडियो में मैंने प्रॉपर पूरा डाल दियू, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा है। जो मेरी इंस्पिरेशन था वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट वही किया है, सिर्फ थोड़ा कलर थीम मैंने चेंज कर दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड गाइज दो दिन बाद मैं इंशाल्लाह डेट भी रिवील कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब से इंशाल्लाह ट्राई करूंगी डेली ब्लॉग डालूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।